गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे बेस पे आ जाते हैं अचानक से और वो कहते हैं कि चल यार हम सब एक हो जाते हैं एंड पीस को फॉलो करते हैं आज से एसएमपी में, नो वॉर नो फाइट। उनकी बातों में आके मैं भी चला जाता हूँ उनके साथ साथ कासल पे, और कासल की तरफ बढ़ रहे होते हैं हम सब खुशी खुशी कि यार अब आज से हम मौका मिलेगा। एंड वो लोग एक सरप्राइज के बहाने मेरे को ले जाते हैं नेदर में, एंड नेदर पे वो लोग एक सरप्राइज के बहाने मेरे को जैसे ही ले जाते हैं वहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि एक आइलैंड पे तू खड़ा हो जा, एंड यहाँ पे मैं चेस्ट में देखता हूँ कुछ नहीं होता एंड ये लोग मेरे को एक छोटे से आइलैंड पे ट्रैप कर देते हैं। इस रिवेंज लेने के लिए मैं उनके घर के नीचे TNTs फोड़ता हूँ जो वो बना रहे थे एंड उनका पूरा घर तोड़ देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, यार कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली हम आ चुके हैं मिर्जापुर एसएमपी के एपिसोड 10 के अंदर, एंड यार मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने 10 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए है। सो इसी बात पे मैंने आज का लाइक एम 200 लाइक्स इंक्रीज कर दिया है, 500 लाइक्स आज का लाइक एम है। आई नो आप लोग इसको करवा सकते हो तो फटाफट से लाइक कर देना, एंड इसी खुशी पे मैं चाहता हूँ कि आज 200 कमेंट्स हो जाए। लेट्स सी हम इसको रीच कर सकते हैं या फिर नहीं। एंड देखो यार मैंने स्किन लगा लिया, यार ये स्किन मेरे मतलब ये मेरी स्किन है जिसको मैं लगाया करता हूँ। स्किन कैसी लगी कमेंट्स में बताना। एंड यार फाइनल यार वो जो लास्ट फाइट हुई थी जिसमें मैंने रॉयल्टी वगैरह ने जिन्होंने मेरे को नेदर में ट्रैप किया था, तो फाइनली मैंने उधर से एस्केप किया, उनको मारा, और उनका ये जो प्रीशियस आर्मर है एंड टूल्स है मेरे को मिल चुके हैं। देखो टूल्स में तो सिर्फ स्वॉर्ड है मेरे पास, एंड एक बंदा कह रहा था कि मेरे पास ये स्वॉर्ड कैसे आई। मैंने ये स्वॉर्ड उनके स्टोरेज रूम से ही कलेक्ट करी थी, एंड मेरे पास मेरा सारा सामान भी पड़ा हुआ है जिससे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एक डायमंड की पिकैक्स बना लेनी चाहिए क्योंकि आयरन की एक्स को यार मैं कब तक चलाऊंगा। पर अभी यार मैं सोच रहा हूँ कि बहुत टाइम हो चुका है, मैं रॉयल्टी वगैरह से कभी मिला नहीं हूँ मतलब वो वीडियो के बाद। मैं सोच रहा हूँ कि आज ना अगर मेरे को मौका मिलता है इनको चुपके से मैं मार दूंगा ताकि ये लोग इरिटेट होके बोले कि यार ये SMP तेरी तू निकल जा। ऐसा नहीं होगा पर ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि यार ये SMP मैं चाहता हूँ मेरी हो जाए टोटली, जो कि अभी रॉयल्टी वॉरियर की है ये SMP। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे पास सामान तो देखो बहुत सहारा है, तो रॉयल्टी ने यार इतनी बार मुझे तंग वंग किया है तो मैं सोच रहा हूँ आज तो उससे बराबर की बात बात करके रिवेंज लेके उसको ख़त्म करते हैं ये मामले को आज। सो चलो फटाफट से मैं उसके कासल की तरफ चलता हूँ जो कि यहाँ पे आता है, जो कि आप सबको पता है। सो यहाँ पे फटाफट से भाई ट्राइडेंट आ चुका है गाइज, अब हमारे पास ट्राइडेंट से जाएंगे यार हम। ओके तो ये मैंने फेंका ट्राइडेंट, ये हम गए इधर और ये किए MLG यहाँ से इधर, और ये ब्रिज मैंने ही बनाया था ताकि मैं उनके कासल तक इजीली पहुँच सकूँ। यहाँ पे ये किया एंड यहाँ से ऐसे एंड यहाँ पे MLG, ये हुई ना बात। ओके तो अभी मैं इसके कासल के पास तो पहुँच चुका हूँ, तो चलो अभी मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट अंदर जाके रॉयल्टी को हमला देते हैं। ओके यार तो फाइनली मैं कासल तक पहुँच चुका हूँ, एंड आज रॉयल्टी एंड कुणाल दोनों का आज अंतिम वक्त है, तो आज मैं इन दोनों को फिनिश करके रहूँगा। अरे रॉयल्टी के बच्चे क्या रुकूं मैं, तू इधर क्या कर रहा है भाई। मैं आज तुम दोनों को जड़ से मिटाने आया हूँ, आज से ये मेरी SMP होगी। तू पहले ये बता तूने कुणाल को कहाँ छुपाया। क्या कुणाल क्या सर्वर में भटक रहा होगा पागलों की तरह, वो उसको भी मैं आज पीटने ही आया हूँ। बहुत दिन से मिसिंग है क्या। नहीं नहीं ये पक्का तुम्हारा कोई तो प्लान है मेरे को आज मारने का, ये आज काम नहीं करेगा, मैं तुम दोनों को छोड़ने नहीं वाला तेरी एक्सी की तैसी। एक तो और इतनी सीरियस ना ना, अब तो भाई तुम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है यार। मैं ऑडियंस को भी यही पता है कि मैं अब तुम पे बिलीव क्यों करूं यार, क्योंकि इतने ज्यादा स्कैम हो चुके हैं अभी सर्वर में, तुमने मेरे साथ इतना गंदा वाला स्कैम किया यार, अब कौन ही तुम पे बिलीव करेगा कि तुम अब अच्छाई चाहते हो। यार ये तुम्हारी साजिश है यार, मेरे को बुद्धू मत समझो यार। एक बार तो तुमने अपने घटिया से ट्रैप में फंसा दिया मेरे को, अब मैं नहीं मानने वाला तुम्हारी बातें। भाई ट्रैप अलग चीज है भाई, कुणाल मिसिंग है। पर मैं नहीं मानता ये सारी फालतू बातें, कुणाल गायब है पक्का, वो इस सर्वर के अंदर ही कहीं पे छुपा होगा, जब भी तू मरेगा वो उसे भाग के आएगा, रॉयल्टी मैं बचाऊंगा मैं मसीहा हूँ ऐसे करके आ जाएगा वो पागल। नहीं नहीं बिल्कुल भी, तो कुणाल ने मेरे को पहले से स्कैम करके रखा है, ऊपर से तेरी ये फालतू की बातें। ना ना बिल्कुल भाई, क्यों बिलीव करूं मैं तेरी फालतू बात पे और मार रहे तेरे को तो मैं अभी बजा डालता हूँ, रुक जा। नहीं नहीं तेरी भैंस की ऐसी की तैसी भाई, समझ में नहीं आता तेरे को। पर मेरे को सब पता है, सब तुम्हारी साजिश है, ये कुछ नहीं है, ये सब पता है मुझे। तेरे को मैं अभी छोड़,
तेरे को मैं अभी तो छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी। इतने ज्यादा झूठ बोल चुके हो ना तुम दोनों। मैं सच में कुनाल गायब नहीं है, मेरे को सब पता है। साजिश पे साजिश करनी है तुम दोनों को। अगर विश्वास नहीं हो रहा मैं अपना आर्मर उतार, ठीक है? तो मेरे को मानना चाहिए तो मार दे, बट कुनाल सच्ची में गायब है। अब यहाँ पे भाई देखो, मेरे को तेरे पे पूरा तो ट्रस्ट नहीं। रुक जा यहाँ पे, क्रीपर है, इसको मार देता हूँ मैं। यू भाई मत मार मेरे को, और ना मेरे को ना तेरे ऊपर डाउट जा, तूने कुनाल को क्यों छुपाया है? अरे यार मैं क्यों कुनाल को छुपाऊंगा यार, मेरी दुश्मनी तुम दोनों से है। अगर मैं फाइट करता भी हूँ तो मैं तुम दोनों के साथ फाइट करूंगा ना, मैं अकेले ही क्यों उसको ट्रैप करूँ यार। अब तेरे को क्यों मेरे पे शक हो रहा है? तेरे को पता है मैं कितने टाइम बाद आ रहा हूँ कासल पे, जबकि मैं कासल पे आया ही नहीं, तो मैं उसको भाई साहब ट्रैप कैसे कर लूंगा? पर मेरे को भी नहीं पता, और मेरे को तो अभी भी तेरे पे डाउट जा रहा है कि तू ना ये सारी बातें फेक कर रहा है, और अभी कुनाल आके मेरे को और तेरे को टपका देगा। कुछ फेक नहीं है, मैं सीरियसली, आई एम सीरियस मैन। भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैं अभी कासल चेक करने आ रहा, तू भी आएगा मेरे साथ? कल मैं भी चल रहा हूँ, मैं लंगड़ा चला लूंगा। हाँ मेरे को भाई जरा भी विश्वास नहीं है तुम दोनों पे, इतनी ज्यादा कांड करके रखे है ना तुमने। अब तो मैं कासल पूरा चेक करके ही रहूंगा, कहीं पे छुप के बैठा होगा ये साला। तुम्हारा ये जो सीक्रेट बेस है ना, इसको भी मैं चेक करूंगा, और ये कॉबल स्टोन यहाँ पे भी था ना कुनाल का एक बेस, घटिया सा, छोड़ो इसके अंदर मैं चलता हूँ अभी। यहाँ पे कहीं पे तो नहीं है कुनाल वगैरह। भाई मैं गोल्डन एप्पल ले रहा था भाई, मेरे को क्योंकि यार तुम पे इतना ज्यादा शक हो रहा है ना अभी, कसम से बता रहा मैं। एक तो यार एक वो दिन वाला स्कैम याद है, रॉयल्टी लास्ट एपिसोड वाला, जैसे मैं बुद्धू की तरह तुम्हारी बातों में फंस गया था, अब मैं वैसा फंसने वाला नहीं रहा। कुनाल और मेरी प्लानिंग हुई थी कुछ बिल्ड वगैरह करने की, वो अचानक से गायब हो गया था, और तू पीछे क्या जा रहा है, मेरे साथ खड़े रहेगा, चालाकी दिखा रहा है भाई। भाई मैं क्यों करूंगा, तेरे को पता है मैं इतने टाइम से कुनाल से मिला नहीं, बात नहीं की, कासल में भी नहीं आया मैं उसको ट्रैप कैसे कर सकता हूँ? तो वो गया किधर? देख रॉयल्टी मेरी बात सुन, तेरे को भी मेरे पे विश्वास नहीं है, मेरे को भी तेरे पे विश्वास नहीं है। अब हम अभी के लिए हम दोनों को थोड़े टाइम के लिए एक बनना पड़ेगा, क्योंकि यार कुनाल गया है, भले ही वो मेरा दोस्त हो, एनिमी हो, आई डोंट केयर, पर वो एक मेंबर है इस एसएमपी का, और हमारा फर्ज बनता है कि वो जिस भी मुश्किल में फंसा है या फिर जहां पे भी भटक रहा है कर रहा है, उसको हमें वापस लाना है इस कासल के अंदर। तो हमें थोड़े टाइम के लिए एक बनना पड़ेगा। चल रॉयल्टी अभी के लिए मैं तेरे पे बिलीव करके जा रहा हूं, पर याद रख ले कोई भी साजिश हुई इतना गंदा अंजाम होगा ना। देखो पता है मैं दो टाइम से तेरे कासल को छोड़ रहा हूं, वरना मैं उसको टीएनटी से फोड़ देता। ये क्या स्ट्रक्चर है? कौन सा ये? एक सेकंड, ये तूने ही डाला है ना? मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने सिर्फ ये ट्रेनिंग हॉल बनाया था, ये कैमरा पट। तो ये क्या है? वेट, अच्छा ये तो आई थिंक नेदर का पोर्टल है, पर ये मौसी कॉबल स्टोन तू नहीं लगाए होंगे ना, क्योंकि मैं तो इस इलाके में देख आया नहीं हूँ, तू नहीं लगाए होंगे? नहीं। मेरे पे आ जा। हाँ ये देख रॉयल्टी, ये लावा तेरा नहीं है, तू श्योर है क्या? आई एम श्योर, मैंने कभी लावा को छुआ भी, मतलब मैं छुआ हूँ, पर क्या काम आएगा लावा में, मैंने कुछ किया ही नहीं है लावा का। ओ तो देख देख, अभी के लिए कुनाल है मिसिंग, समझा? अरे सॉरी सॉरी, गलती से पड़ गया। अभी के लिए कुनाल है मिसिंग, तो हम दोनों ने तो नहीं किया, हम दोनों को ये बात याद है। अब ऑप्शन में बचता है सिर्फ कुनाल, या तो ये कोई संकेत देना चाह रहा है हमें कुनाल इसके वजह से, या तो कुछ और ही मसला है ये। यस, बट कुनाल ये सब क्यों करेगा, वो तो एसएमपी को क्लीन कर रहा था। एक सेकंड, ये स्ट्रक्चर्स को मत छेड़, वापस से लगा दे, वो जैसे ही था वापस से लगा दे। नहीं नहीं मेरे को कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही है मेरे को। ये स्ट्रक्चर्स देख, मौसी कॉबल स्टोन ना ही मैंने कभी माइन किया है, ना ही तूने कभी माइन किया है, तो ये यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? तूने कभी भी ये एसएमपी में मौसी कॉबल स्टोन क्राफ्ट किए है, लाया है कहीं से? कोई कासल की चेस्ट वेस्ट में रखा था कुछ याद? किसी में भी नहीं, मेरे को पक्का याद है भाई। उसको तो खराब लगता। एक सेकंड, ये इसके नीचे डिग कर, तो इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं यार, पता नहीं, मेरे को ना कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा है, पर क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। छेड़ मत, इनको छेड़ मत, इनको रहने दे। टी यार ये सब, वेट, ये पेड़, अच्छा अबे तूने कासल बनाने के लिए लीव्स यहाँ से ले लिए होंगे भाई, मेरे को भाई डाउट गया। नहीं, कि नहीं भाई, मैं कल ट्रेडिंग में बना था, सीरियसली ये इधर नहीं था, और इतने बड़े। पर क्या इधर नहीं था, मतलब ये, मतलब ट्री नहीं था इधर, मतलब ये जो है ट्रेडिंग हॉल, ये तूने बनाया है क्या? मैंने बनाया है, बट मैंने ये फार्म वगैरह भी इधर से लीव्स लिए थे।
अच्छा और अगर मैं लीव्स भी लूं तो मैं ट्री को ऐसे क्यों छोड़ूंगा? तो ये सारी चीजें आज ही नोटिस कर रही है या फिर तूने पहले नोटिस कर ली है? अभी भाई मेरे को लग रहा है ये पक्का तुम्हारी साजिश है, तुमने ये सब स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। कौन साजिश है भाई? तू मेरे चेहरे को देख, मेरे को तेरे को लगता है कि मैंने ये सब किया होगा? ये सब फालतू चीज है। लग तो नहीं रहा है पर अब। और ये लावा में क्यों लगाऊंगा? ये लावा को पहले यहाँ से हटाते, देखते इस लावा के नीचे कुछ है क्या जिससे पता चले कि कुनाल का रास्ता हमें मिल जाए कहीं से। देख तो इसके नीचे कोई चेस्ट या फिर कुछ एंट्रेंस वगैरह दिख रही है? भाई आज अभी मैं देख रहा हूँ, मैं कल रात को डिस्कनेक्ट हुआ था तो इधर कुछ नहीं था, मैं इधर डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा सही में? हाँ जब सुबह में आया तो इधर ये नहीं था, अभी जस्ट ये बना है। और ये ट्री भी, ये जो लॉग्स ऐसे खड़े हुए हैं ये अभी, एक सेकंड आगे की तरफ आ आ तो एक सेकंड, रुक जा एक सेकंड। यहाँ पे एक तरफ आगे तो दिख, आगे तेरे को और कॉबल स्टोन्स नहीं दिख रहे मौसी के? ये तो देख भाई, यहाँ पे तो हमने चेक ही नहीं। अरे नहीं ये तो सिंपल वाला है पर ये ब्रिजिंग वाला की थी। अच्छा हाँ ओके। और ये अच्छा ये तो, हाँ भाई ये तो वही घर है जो मैंने फोड़ा था। और अच्छा ये तो कोबलस्टोन ऐसे के ऐसे ही है पर ये अपना देख, क्या मसला है ये? जब मैं गेम में जॉइन तो मैं जस्ट ट्रेडिंग हॉल के सामने ही खड़ा था और ये सब कुछ नहीं था। तुझे पक्का याद है? पक्का याद है। देख क्योंकि ये जो जंगल है ये तुम्हारा कस्टम जंगल है ना जहाँ पे मैं हूँ अभी। हाँ, तो अगर हाँ देखो ये बात तो है कि अगर तू लीव्स लेगा तो अपने ही जंगल से लेगा ना, बाकी ट्रीज तो क्यों ही उजड़ेगा यार। और इतने टाइम से उसने मेरा कभी भी कॉल भी नहीं उठाया है, वो है क्या, कर क्या रहा है वो? ये रॉयल्टी यार, मेरा मन कह रहा है ना कि ये जो लावाज हम सुखा रहे हैं इसी के अंदर पता नहीं कुनाल हो या फिर कुछ और, पर मेरे को लग रहा है लावा के अंदर ही होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी लावा है, चल इसको सुखाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं ब्लॉक्स रखता हूँ एंड हाँ हाँ है, चल ओके ओके। चलो ये लावा को तो मैंने इसकी चोटी पे बंद कर दिया है, लेट्स सी ये लावा बंद होता है तो इसके अंदर कुछ है या फिर नहीं, देखते हैं। यार कुछ हो तो अच्छा है, यार कुछ भी नहीं मिल रहा हमें इसके अंदर। वॉट अभी आई थिंक, अरे ये लावा यहाँ पे बचा हुआ है ना, फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके हाँ इसको भी ब्लॉक कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। देख चेस्ट है, क्या है अंदर इसके अंदर? वेट अरे इसके अंदर कुछ लिखा है, रॉयल्टी फटाफट से दूर आ जा, हम इसको आराम से पढ़ते हैं ठीक है। अपने आप को हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर बना लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे हर जगह से अपने कवर कर देते हैं खुद को एंड चुपचाप से इसको पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई किडनैप्ड कुनाल एंड यू कांट डिफीट मी। तो तू पढ़ तो इसको, यही लिखा है। अरे 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 दूर जा, कुछ तो आया कुछ कोई तो आया। अरे नहीं कौन है ये भाई कुनाल है क्या ये? वेट नहीं। अरे भाई मेरे ट्राइडेंट काम अच्छा कर गया। भाई यार मेरी आवाज बहुत गंदी हो गई होगी इस टाइम पे, पर ये कौन है, ये है क्या ये भाई? ये वैम्पायर वाला कौन है बंदा? भाई इससे दूर रहना। अरे उसकी नहीं भाई कौन है ये बंदा? हल्लो ये हमें सुन पा रहा है क्या? ये कुछ भाई दूर चल फटाफट से दूर चल इससे, मेरे को बहुत घबराहट सी हो रही है, फटाफट से दूर चल। रॉयल्टी जल्दी आ कासल के अंदर, मैं आ चुका हूँ। हाँ भाई मैं थोन के पास आ चुका हूँ, पर वो था क्या चीज? और वेट तेरा नेम टैग तो मेरे को दिख रहा है, तू देख तेरे को मेरा नेम टैग दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है हमें, वही उसकी सिर्फ स्किन हमें दिख रही थी। एक सेकंड लास्ट में एस लिखा है, एस मतलब स्ट्रेंजर?